दीप्ति जी आप जवाब दे दीजिए, ढोंगी हिंदू, चुनावी हिंदू, फैंसी ड्रेस वाले हिंदू। दीप्ति जी जवाब दे दीजिए। देखिए ये आस्था का विषय है और सबकी अपनी, अमन जी आपकी भी पूजा पद्धति होगी, आप कैसे पूजा करते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं या आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं या हाथ खोलकर प्रणाम करते हैं, ये सबका अपना तरीका है। अब अगर इसे ये कहा जाए कि ये चुनावी हिंदू है, ढोंगी हिंदू है, तो ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी दंडवत प्रणाम नहीं किया? अगर किया है तो मुझे बताइए। किया है, उसी का तो नकल हो रहा है। किया है क्या? आप बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी नहीं किया है उसका, उसी का नकल करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए दीप्ति जी, आप कंप्लीट करिए। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मुझे बता दीजिए, क्या ये जो है ये दंडवत प्रणाम करके जो लेटे हुए हैं भगवान श्री राम के दरबार में अयोध्या में, तो क्या ये ढोंगी हिंदू हैं? मैं और दिखाना चाहती हूँ, भगवान केदारनाथ जी की मंदिर में गुफा में भगवा कलर की शॉल ओढ़कर यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे हैं, तो ये क्या अच्छा, ये क्या ढोंगी हिंदू हैं? हमारे बोल रहे हैं आप, ये क्या चुनावी हिंदू हैं? हाँ, ये 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 जो टोपी लगा के खड़े हुए हैं केदारनाथ जी में, तो ये क्या ढोंगी हिंदू हैं? नहीं ना, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। अगर राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी दंडवत प्रणाम करते हैं, तो आप ये बताइए कि आप उनको चुनावी हिंदू कैसे कह सकते हैं? वही तो अभी समझाया आपको नलिन आप भाई ने, उनको ढोंगी हिंदू कैसे कह सकते हैं? दीप्ति जी, अगर बीजेपी के किसी नेता ने, एक मिनट मैं सवाल आपसे, आप ही का जवाब दे रहा हूं, मैं चुनौती के साथ आपको बोल रहा हूं, अगर बीजेपी के किसी नेता ने हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान और हिंदुत्व ISIS बोको हराम, मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, गीता में जिहाद, हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म, हिंदू का मतलब बेहद गंदा, अगर ये कहा होता ना मंदिर में लड़के, तो अगर ये कहा होता ना तो ये बीजेपी का ढोंग कहता मैं। अमन जी अगर ये अगर ये को छेड़ने बीजेपी का किसी नेता ने ये कहा होता ना दीप्ति जी, तो ये भी ढोंग होता, ये ढोंग होता, मैं भी कहता आपके साथ। अब किसी एक बीजेपी के नेता ने अगर हिंदू या हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा होता तो मैं भी कहता दीप्ति। आस्था होती है अपनी, सबके अंदर अपनी एक आस्था होती है, पूजा करने का सबका अपना एक तरीका होता है, दंडवत प्रणाम करने का सबके अपने अंदर की इच्छा होती है। सवाल आप धर्म के ठेकेदार नहीं है, दंडवत प्रणाम पर किसने सवाल उठाया? मुझे ठेकेदार ना बने, और वो किसी के ऊपर ये आप वो किसी को ये कह नहीं सकते कि वो ढोंगी हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं। दीप्ति फिर नरेंद्र मोदी जी बता दें कि वो कितनी यात्राएं करे हैं, नरेंद्र मोदी जी बता दें कि चुनाव दीप्ति जी से पहले बस मुझे बता दीजिए, मैं आज जब डिबेट करने बैठा हूँ यहाँ 8:15 हो रहे हैं, मैंने पूरी रिसर्च करी है, दंडवत प्रणाम पर किसी ने एक सवाल नहीं उठाया, आप क्यों सवाल उठा रही हैं अपने नेता पर? किसी ने उठाया तो मुझे बताइए, एक नेता ने सवाल नहीं उठाया दंडवत प्रणाम पर। हमने हम उठाई आप नहीं क्यों सवाल उठा रही है राहुल गांधी के दंडवत प्रणाम पर? दंडवत प्रणाम करने पर ही ये कहा किसने बोला है? नहीं, कैमरे पर बोला है, गर्भगृह में कैमरे पर बोला है, आपको पता ही नहीं है? कभी उनके दंडवत प्रणाम करने पर सवाल जी आप गलत कर रही हैं, आप अपने नेता पर सवाल उठा रही हैं। अरे ओमकारेश्वर में भी तो उन्होंने आरती की। दीप्ति जी यहाँ 8:16 हो गया, पूरी रिसर्च कर बैठा हूँ, भारतीय जनता बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी के दंडवत प्रणाम पर अगर सवाल उठाया है दीप्ति जी, मुझे बताइए, किसी ने नहीं उठाया, आप उठा रही हैं अपने नेता पर सवाल, आपको क्या प्रॉब्लम है उनके दंडवत प्रणाम से भाई? फिर ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? वो क्योंकि गर्भगृह में, क्योंकि ढोंगी हिंदू का गर्भगृह में कैमरे की वजह से ये डिबेट आपको क्यों की जा रही है? क्योंकि सुनेंगी फिर मैं बताऊंगा ना, सुनिए ना दीप्ति जी, सुनिए ना आराम से, क्यों की जा रही है मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों की जा रही है मैं बता रहा हूँ आपको। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल दर्शन के लिए गए थे, वहां कैमरे थे, तो पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, आज वही गर्भगृह में कैमरा नजर आ गया, तो राहुल गांधी ढोंगी है क्या? दंडवत प्रणाम पर दीप्ति जी सम्मान किसी ने सवाल नहीं उठाया, और अगर आप कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं तो आप राहुल गांधी पर सवाल ना उठाएं। सुनिए, आपको राहुल गांधी से अगर प्रॉब्लम है, अगर राहुल गांधी से आपको प्रॉब्लम है तो आप पार्टी अपने स्तर पर सॉल्व करिए भाई।
कांग्रेस आप पार्टी के स्तर पर सॉल्व करिए, मेरे चैनल के माध्यम से राहुल गांधी पर सवाल मत उठाइए भाई, ऐसे बयान नहीं देती भाई, राहुल गांधी पर सवाल मेरे चैनल के माध्यम से मत उठाइए आप, बिल्कुल नहीं देती, उनके दंडवत प्रणाम से आपको प्रॉब्लम है भाई, ये क्या बात हुई, उनकी आस्था है भाई, नरेंद्र मोदी जी भगवा शॉल में बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी भगवा शॉल ओढ़ कर चादर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया मैम। नरेंद्र मोदी जी इतने मंदिरों में जाते हैं, कांग्रेस कभी सवाल नहीं उठाती, ठीक है नहीं उठाती, ठीक है नहीं उठाया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर, ठीक है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है, जनता का जो अपार समर्थन और अपार प्यार मिल रहा है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखलाई हुई है, जी आपकी सारी बातें सही हैं, उस तरीके का उनका जो छवि है, दीप्ति जी बस, दीप्ति जी बस बस बस, दीप्ति जी सारी बातें आपकी सही हैं, बस मेरा एक अनुरोध है आपसे, आपके नेता हैं, उनके दंडवत प्रणाम पर आपको नहीं सवाल उठाना चाहिए, आपको प्रॉब्लम है पार्टी के लेवल पर आप सुलझाइए, अपने चैनल पर बैठकर आप राहुल गांधी के दंडवत प्रणाम पर सवाल उठाएंगी तो गलत है, नहीं रही हूं। किसी ने सवाल नहीं उठाया उनके दंडवत प्रणाम पर, मैं तो किसी ने सवाल नहीं उठाया उनके दंडवत प्रणाम पर, उनकी आस्था है सम्मान करिए, गलत नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा, गलत। शुभराज जी बोल रही हूं, शुभराज साहब बोलेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, भगवा चोला ओढ़कर जाते हैं, नरेंद्र मोदी दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उन पर तो सवाल नहीं उठाया जाता भाई, राहुल गांधी की आस्था है, क्या प्रॉब्लम है भाई, मारते हैं, मैं उस पे सवाल उठा रही हूं। शुभराज साहब का अब्दुल मन्ना नारा, इससे पहले शुभराज साहब बस ठीक है, दीप्ति जी शांत हो जाओ, बस करिए दीप्ति जी, हो गया बस बस, कोई नहीं दीप्ति जी हो गया, शुभराज साहब आप बोलिए, शुभराज साहब फिर अब्दुल भाई आ रहा हूं जी। अमन जी हमें समझना होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्यों उठ रही है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के मंदिर जाने में और नरेंद्र मोदी जी के मंदिर जाने में बहुत बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी जी जब मंदिर गए तो इन्हीं की प्रवक्ता ने, दीप्ति जी को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, शायद उनसे सीनियर प्रवक्ता है, नाम मैं नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि जो बहुत ही बदतमीजी से बात करती हूं, ऐसे नेताओं का नाम लेकर के मैं बहुत ज्यादा लेजिटिमाइज नहीं करना चाहती, उनका बयान था कि कुछ लोग ढोंगी होते हैं जो गर्भगृह में कैमरा लेकर के जाते हैं, उस बयान के आधार पर आज पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी गए तो क्या ये आकाशवाणी हो रही थी, क्या ये डिवाइन इंटरवेंशन था कि लोगों के सामने वो फोटोज और वीडियोस वायरल हुए, ऐसा तो है नहीं कि महाकाल के मंदिर में गए और महाकाल के दो जो यक्षगण होते हैं वो आकर के उन्होंने राहुल गांधी की रिकॉर्डिंग की, भाई कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र चला उनके साथ, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग बाहर आई, तो कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि ये तो दोहरी नीति है, जब नरेंद्र मोदी जी गए थे तो आप लोगों ने ही कहा था कि गर्भगृह के अंदर जो लेकर के जाता है वो ढोंगी होता है, सवाल ये है, मूल मुद्दा ये है, लेकिन इस मूल मुद्दे से भटक करके हमने तो खुद ही देखा कि दीप्ति जी स्वयं कन्विंस्ड नहीं है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही है, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही है, किसी ने नहीं उठाया, बल्कि हमारे जैसे लोग तो खुश हैं, जिन लोगों ने हमेशा से हिंदुत्व का समर्थन किया, जिनको हिंदू होने में गर्व की भावना जिनके अंदर है और जो गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो आज से कुछ महीने पहले ये कह रहा था कि जो व्यक्ति मंदिर में जाकर देवियों की पूजा करते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं, वो व्यक्ति आज स्वयं मंदिर जाकर के टेंपल रन खेल रहा है, तो हम तो खुश हैं कि ऐसा है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली है तो इसका तो भाई देश की जनता कुछ नहीं कर सकती, और हमें भूलना नहीं चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात कही अमन जी, बिल्कुल हमें नहीं उठाना चाहिए भाई, उनकी आस्था है, बहुत अच्छी बात कही, उनकी आस्था है, वही दंडवत प्रणाम पर क्यों सवाल कोई उठाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छी बात कही कि इस देश में जो भी वोटर हैं और खास करके जो हिंदू वोटर हैं वो बेवकूफ नहीं है, उनको याद है कि यही राहुल गांधी ज्यादा देर यही भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही जॉर्ज पुनैया से मिल करके आए, जिनके हिंदुओं के बारे में क्या विचार हैं, जिन्होंने किस तरीके के कुकृत्य किए हैं, ये सब भूलता नहीं है व्यक्ति, और ये अल्टीमेटली जब बैलेट बॉक्स पर जाकर के आपको अपना वोट कास्ट करना होता है तो ये सारी बातें याद रहती हैं, कौन चुनावी हिंदू है, लेकिन कौन डिसएग्री है, भूल जाता है, मेरे ख्याल से आग्रही है, और सारे सवाल क्लियर है जनता, भूल जाता है भाई, मेरा आज का हैशटैग हिंदू फॉर ग्रांटेड है, वो भूल जाता है, बहुत आसानी से भूल जाता है, ये भी है फैक्ट है, अगर नहीं भूलता तो इसका फायदा ना वो नहीं उठा रहे होते। अब्दुल मनन भी मुस्कुरा रहे हैं, अब्दुल भाई एक ब्रेक की मेरी मजबूरी है, ब्रेक के बाद आप इसे शुरू करूंगा, ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अब्दुल मनन ऑल इंडिया आईएम के प्रवक्ता उनसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।